दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित जिला न्यायालय में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज विधिक सेवा प्राधिकार के कैंपस में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन नालंदा जिला जज हसमुद्दीन अंसारी, नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर एवं नालंदा एसपी अशोक मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर बिहार शरीफ के सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में चार बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अलग अलग तिथियों पर किया जाता है और इस साल यानी इस वर्ष का अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आज 12 नवंबर को बिहार शरीफ के विधिक सेवा प्राधिकार के कैंपस में आयोजित किया गया है, जिसके माध्यम से ज्यादा सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य यह होता है कि समाज में गरीब, वंचित, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंच सके। इस विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिहार शरीफ में कुल 8 बेंचों का गठन किया गया है और प्रत्येक बेंच पर न्यायिक पदाधिकारी के साथ साथ पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गई है, ताकि जिन लोगों को वादों का सुलह कराना होगा वो निःशुल्क इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निपटारा करा सकेंगे। उद्घाटन के पश्चात क्या कुछ नालंदा जिला जज कह रहे हैं वह आप खुद सुनिए। पहले तो आपका इस लोक अदालत में स्वागत है कि आप लोग आए यहाँ पे, और ये लोक अदालत जो है आप ही लोगों के लिए लगी हुई है। आप लोग को पता होगा कि ये नेशनल लोक अदालत जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार समय समय पे लगाया जाता है, और ये जो राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 है उसका उद्देश्य ये है कि हम निःशुल्क, सस्ता और सुलभ, निष्पक्ष न्याय हर उस आदमी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि समाज का कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से न्याय पाने से वंचित न रहे। हमको उनके दरवाजे तक न्याय को पहुंचाना है, और इसी उपलक्ष्य में आज का ये जो नेशनल लोक अदालत है इसका आयोजन किया गया है। और हम चाहेंगे, आप लोगों से अनुरोध भी है कि बैंक पदाधिकारी हों, माइनिंग के हों, लेबर के हों या और भी जो अधिवक्ता बंधु हों, सब लोग इसमें दिल से सहयोग करें कि ये लोक अदालत जो है सफल हो और हम लोगों का ऑनरेबल कोर्ट जो है हम लोगों के लिए देखे कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है। इन्हीं अपेक्षा के साथ आप लोगों को मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं कि आप लोग आए। धन्यवाद। इन्हीं सबों के साथ अपनी बात दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।